बंगाल की खाड़ी मानसून। यह शाखा दो भागों में बढ़ जाती है। पहली म्यांमार तट की ओर बढ़कर अराकान योमा पहाड़ी से टकराकर इसकी पश्चिमी ढालों पर वर्षा करती है। दूसरी शाखा बंगाल और असम की ओर बढ़ते हुए खासी एवं गारो की पहाड़ियों में वर्षा करती है। यहीं पर मेघालय में स्थित मासिनराम में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। यह हवा हिमालय तथा अराकानायोमा पर्वत श्रेणियों के कारण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तथा ज्यों ज्यों पश्चिम की ओर जाती है वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। गुवाहाटी, पटना, इलाहाबाद, भरतपुर और जैसलमेर में होने वाली वर्षा से इसे समझा जा सकता है। तीसरा, शरद ऋतु या मानसून की वापसी। अक्टूबर के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न वायुदाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जिससे अंडमान सागर के आसपास चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात सामान्यतया भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और कभी कभी ये विनाशकारी रूप ले लेते हैं जिसके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। कभी कभी ये चक्रवात ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों के कारण होती है। अक्टूबर माह में देश के अधिकांश भागों का औसत तापमान 25 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। राजस्थान, गुजरात एवं पूर्वी तटीय मैदान में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के आंतरिक भागों में यह 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। चौथा, शीत ऋतु। दिसंबर से फरवरी तक शीत ऋतु का समय होता है। इस समय उत्तर भारत के तापमान में काफ़ी गिरावट आती है। जनवरी से फरवरी में पंजाब, कश्मीर आदि में तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है जबकि दक्षिणी भारत का औसत तापमान 14 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कारण है कि जनवरी फरवरी में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल उगती है और केरल तथा तमिलनाडु में चावल की फसल लहलहाती है। इन दिनों चक्रवात के कारण तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी वर्षा होती है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से कश्मीर और उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा या हिमपात होता है। उत्तर भारत में इन महीनों में अक्सर कोहरा छाया रहता है। एल नीनो और मानसून। भारत का मानसून हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर के पश्चिमी तट के पास समुद्र में घटने वाली समुद्री घटना से प्रभावित होता है। प्रशांत महासागर के गर्म एवं ठंडा होने की दोनों घटनाएं समुद्र में घटती हैं जिससे वायुमंडल में उतार चढ़ाव होता है। इस घटना से अंततः उष्णकटिबंधीय मिलन क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री से 15 डिग्री दक्षिण तक हो जाता है। इसका प्रभाव हिंद महासागर तक देखा जा सकता है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली व्यापारिक पवनी जब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र से उत्तर की ओर बढ़ती हैं तब उनकी गति सामान्य से कम हो जाती है। चूँकि यही हवा दक्षिण पश्चिम मानसून को जन्म देने में मदद करती है इसलिए भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है। समुद्र से नमी वाली हवा कम आती है और परिणामतः वर्षा कम होती है। अतः कहा जाता है कि जब जब एल नीनो की घटना घटती है भारत का मानसून कमज़ोर होता है। यह प्रशांत महासागर के पानी को असामान्य रूप से किसी साल औसत से ज़्यादा गर्म कर देता है तो किसी साल ज़्यादा ठंडा। ऐसा कुछ सालों के अंतराल में होता रहता है।
पेरू में इसके कारण सर्दियों में काफ़ी बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। ऐसा अनुभव भी रहा है कि वहाँ गर्म पानी में मछलियाँ भी कम मिलती हैं। इसे एल नीनो शिशु जीसस कहते हैं क्योंकि यह क्रिसमस के आसपास होता है। इस घटना के विपरीत पूर्वी प्रशांत महासागर जब ठंडा हो जाता है तो इसे ला नीना अर्थात लड़की कहते हैं। इसे मानचित्र 3.3 से समझा जा सकता है। भारत में लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 91 में एल नीनो के कारण मानसून के आगमन में 5 से 12 दिन की देरी हो गई थी। जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी की वायुमंडलीय संरचना में आ रहे परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के भावी परिणाम से पूरा विश्व चिंतित है। जलवायु का अध्ययन करते समय हमने जाना कि जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को कहा गया है। इसका अर्थ सालों से बना हुआ एक चक्र है। इस चक्र में परिवर्तन आ रहा है। यही परिवर्तन चिंता का विषय है। यद्यपि इसकी गति धीमी है लेकिन भविष्य में इसके परिणाम अनेकानेक समस्याओं को जन्म देंगे, जैसे वर्षा के आने का समय आगे पीछे होना, हिमनद का सिकुड़ना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि वर्षा ऋतु का जो समय निर्धारित है उसके बदल जाने से फसल चक्र बदल जाएगा और भूमि का उपयोग प्रभावित होगा। अखबारों में छपी मौसम से संबंधित खबरों को इकट्ठा करें।